हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड पॉलिटी विद सुदेश। सो गाइस, आज जो है हम प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन में ही पिछली वीडियोज में हमने पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिटेल अध्ययन कर लिया था और आज जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन का डिटेल अध्ययन करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हम एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन को पहले समझ लेते हैं कि हमारा प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या होता है। तो हमारा एंटीसीडेंट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई क्लॉज हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जिस नाउन या प्रोनाउन या क्लॉज या फ्रेज के लिए हम किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे हम उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये हमारा प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो गया। अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे कि अ वर्ड विच रिलेट्स द एंटीसीडेंट, अ वर्ड विच रिलेट्स द एंटीसीडेंट विच इज यूज्ड बिफोर इट। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो अपने बाद आने वाले सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज को अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के साथ रिलेट करता है, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, एज, बट, व्हाट एसेट्रा, ये सभी हमारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और हम ध्यान रखेंगे कि व्हाट जो होता है हमारा एंटीसीडेंट के साथ नहीं जुड़ा होता है, इसलिए यह हमारा एक्सेप्शन कहलाता है। अब हम सेंटेंस समझेंगे कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तब हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन अ वर्ड विच रिलेट्स द एंटीसीडेंट विच इज यूज्ड बिफोर इट। अब हम जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, एज, बट, व्हाट, हमने कहा कि व्हाट एक्सेप्शन होता है जो एंटीसीडेंट के साथ नहीं जुड़ा होता है। अब हम सेंटेंस से समझेंगे, जैसे हम ध्यान देंगे कि आई, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो हमारा ये क्या हुआ, सब्जेक्ट है। अब नो हम देख रहे हैं वर्ब, आई नो करण हु केम लेट। ये देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे जो है रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गया। अब ध्यान रखेंगे कि हम इसको वर्ब नहीं हम पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो है आर के पहले हमारा वावेल साउंड आया हुआ है, तो आर का प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होता है, अ हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब, वर्ब बोलेंगे, वर्ब नहीं बोलेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। ये जो है हमेशा जो है कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आपने जो है गलत पढ़ रहा है, तो इस वजह से हमने बता दिया है। अब ध्यान रखेंगे कि क्या ही हमारा जो है प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद नो ध्यान देखेंगे कि वर्ब हो गया हमारा। अब करण हमारा ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ हु ये रिलेट कर रहा है, जैसे आई नो करण हु केम लेट। अब देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वर्ब हो गया। तो अब देख रहे हैं कि ये पूरी जो है ये जैसे आई नो करण, अब ये पूरी चीज केम लेट को ये क्या कर रहा है, हु करण के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ। हमने कहा एंटीसीडेंट हमारा कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई क्लॉज हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमने कहा कि ये अपने बाद आने वाले को अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के साथ रिलेट करता है। जैसे आई नो करण, करण हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, हु केम लेट, तो केम लेट कौन, किसको ये करण से रिलेट कर रहा है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि हु हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ तो इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन, कनेक्टिव प्रोनाउन या कनेक्टिव कंजंक्शन कहेंगे। तो अब यहां भी इस सेंटेंस में हम ध्यान रखेंगे कि दिस हमारा ध्यान रखेंगे कि दिस डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आया है। तो ये जो है हमारा प्रोनाउन हुआ जो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया। और टीचर जो है हमारा क्या हुआ, टीचर, इसको टीचर नहीं पढ़ेंगे, टीचर, ई आर का प्रोनाउंसिएशन अ पड़ेगा। तो दिस इज माय टीचर,
अब हम ध्यान रखेंगे कि whom, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देख रहे हैं कि एवरीवन सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब। तो अब हमने कहा कि इनके बाद आने वाला जो भी चीज है एवरीवन एडमायर को, ये टीचर के साथ रिलेट कर रहा है। अब हम ध्यान रखेंगे कि, और जो है एक बात हम ध्यान रखेंगे कि हु जो हमारा होता है अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट, हु जो होता है हमारा अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार हमारा वर्ब का यूज होता है, यानी कि हु के बाद हमारा वर्ब का यूज होता है, वो भी इनसे पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो अब यहां ध्यान रख रहे हैं कि करण के अकॉर्डिंग हमने तो यहां के में यूज कर लिया है, ठीक। और दूसरी बात यहां ध्यान रखेंगे अब हुम का, तो अब हम ध्यान रखेंगे कि हुम के बाद हमारा, हुम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमारा वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हु के बाद हमारा वर्ब का यूज किया जाता है अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार। अब हुम के बाद हमारा वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट का यूज किया। जैसे हमने हुम के बाद देख रहे हैं कि वर्ब का यहाँ कहीं यूज नहीं किया, सब्जेक्ट का हमने यूज किया। तो अब यही चीज जो है एवरीवन एडमायर जो है टीचर के साथ रिलेट कर रहा है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर हमारा हु हुआ या हमारा जो है हुम हुआ, इनको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे या रिलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे, रिलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे या हम इन्हीं को कनेक्टिव प्रोनाउंस बोलेंगे, कनेक्टिव प्रोनाउंस बोलेंगे या कनेक्टिव कंजंक्शन बोलेंगे, ये चार नामों से इन्हें हम जानते हैं। तो अब हमने जो है रिलेटिव, हमने जो है रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव कंजंक्शन, कनेक्टिव प्रोनाउन, कनेक्टिव जो है कंजंक्शन के नाम से हमने जाना, जो है हमारा हु, हुम, ये सभी जो है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन या कनेक्टिव प्रोनाउन या कनेक्टिव कंजंक्शन हुए। अब हम ध्यान रखेंगे कि हमारा रिलेटिव क्लाज क्या होता है। अब हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारा रिलेटिव क्लाज क्या होता है, रिलेटिव क्लाज क्या होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लाज को हम रिलेटिव क्लाज कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लाज को, रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लाज को हम रिलेटिव क्लाज कहेंगे। तब हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन यहां हुआ और इनसे बने यहां क्लाज, तो रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लाज को हम रिलेटिव क्लाज कहेंगे। तो जैसे हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास इसमें रिलेटिव क्लाज कौन कौन से हो जाएगा, हु केम लेट, हु केम लेट हमारा रिलेटिव क्लाज हुआ। अब यहां हो जाएगा हुम, एवरीवन, हुम एवरीवन एडमायर, ये हमारा रिलेटिव क्लाज हुआ। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लाज को हम रिलेटिव क्लाज कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से मिल करके क्लाज बना और ये भी हम रिलेटिव प्रोनाउन से मिलकर के क्लाज बना, तो इस वजह से हमने रिलेटिव क्लाज को भी समझ लिया। और हम एक चीज जान रहे हैं इसमें, देखा कि हमारा निष्कर्ष ये निकला कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो होता है कंजंक्शन का कार्य करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है और कंजंक्शन का कार्य करता है। और इनमें सबसे खास बात होता है कि अपने से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन के बारे में बताता है। ये सबसे बड़ी खास बात होती है रिलेटिव प्रोनाउन की, कि अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन के बारे में बताता है। तो ये जो है हमने रिलेटिव प्रोनाउन की थोड़ी सी हमने जो है समझ लिया। अब हम सेंटेंस से हम रिलेटिव प्रोनाउन को हम समझते हैं। तो हमने जो है अब हम सेंटेंस लिख रहे हैं और समझ, सेंटेंस देख रहे हैं, जैसे रीना सा द बॉय हु वाज लिंपिंग, आई लाइक हिम हु इज लेवरियस, आई मेट रामू हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव इवर सीन,
द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल सीता हैड अ बुक विच सी बॉट अ शॉप। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है रीना सा द बॉय, ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो हमने जो है सब समझ लिया, बस सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन को मार्क कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एंटीसीडेंट हुआ, तो ये जो है इनके और इनके अकॉर्डिंग हु के बाद जो है हमारा जो है वर्ब का यूज हुआ है इस बॉय के अकॉर्डिंग, जो हमने बता चुके हैं, और ये एंटीसीडेंट हुआ। तो रीना सा द बॉय हु वाज लिंपिंग, यहाँ हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अब आई लाइक हिम, इसी तरह से ये भी जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुआ, यहाँ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ भी हु हमारा हो गया, आई मेट रामू हु वाज, यहाँ भी। अब ध्यान देते हैं कि सी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल दैट आई, दैट यहाँ देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, द पेन दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, माई फादर गेव राइट्स वेल, सीता हैड अ बुक विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, सी वॉट अ शॉप। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन को हमने मार्क कर दिया, और हमने बताया था कि हु के पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है, और हु के बाद सब्जेक्ट का यूज होता है, वर्ब का यूज नहीं होता है। तो ये जो है हमने समझ लिया। अब हम ध्यान रखेंगे कि हु हुम हुज जो है पर्सन, कोई पर्सन के लिए, ह्यूमन बींग्स सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के लिए होता है, या कह सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के लिए होता है। हु हुम हुज का यूज पर्सन के लिए होता है, ह्यूमन बींग्स मानव के लिए होता है, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर, पर्सन हम कह दिए तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ गया है, चाहे वो हमारा सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अब हम ध्यान देते हैं हु का हिंदी हमारा होता है कौन, हुम का होता है किसको, और हुज का होता है किसका। अब हम ध्यान देते हैं विच हुज आप विच, तो हुज का हम ध्यान देते हैं कि ये पर्सन के लिए यूज होता है, ये हमने अभी बता दिए हैं, और विच हुज आप विच इनका यूज हमारा एनिमल्स बर्ड पशु पक्षियों के लिए होता है। विच यूज विच हुज आप विच का यूज पशु पक्षियों एनिमल्स और बर्ड के लिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या कह सकते हैं हम न्यूट्रल जेंडर के लिए हम विच हुज आप विच का यूज करते हैं। तो ये जो है हमने जो बताया कि हुज रिलेटिव हुज एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हुज है जो पर्सन एनिमल बर्ड नॉन लिविंग थिंग्स सबके लिए यूज होने वाला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुज होता है। तो इस तरह से जो है हमने बताया कि हु हुम हुज का यूज पर्सन ह्यूमन बीइंग सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है, चाहे पर्सन में हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर हो। विच हुज आप विच इनका यूज हमने एनिमल्स बर्ड्स नॉन लिविंग थिंग्स सिंगुलर प्लूरल न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। अब हम जो है अफॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हम समझेंगे। नोट वन में देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस, इनमें हम केस देखेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, पजेसिव केस या जेनेटिव केस। तो अब इनको हम समझेंगे कि अगर हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के लिए हु का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस के लिए हुम का यूज करेंगे, पजेसिव केस या जेनेटिव केस के लिए हुज का यूज करेंगे। अब हम फिर ध्यान रखेंगे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन को छोड़कर बाकी सभी के लिए हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के लिए विच का, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस के लिए विच का, पजेसिव केस या जेनेटिव केस के लिए हुज या आप विच का यूज करते हैं। अब देख रहे हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम है इसमें सब्जेक्ट, राम इज माई फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, और राम जो है मैस्कुलिन है तो हु का हमने यूज किया। और अब देख रहे हैं कि दिस इज द बॉय, अब देख रहे हैं कि ये जो है मैस्कुलिन है, तो इनके लिए भी हम देख रहे हैं कि जो है हमने जो है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हु का यूज किए। अब देख रहे हैं कि दिस इज द गर्ल हुम आल
प्रेज। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज द गर्ल, गर्ल हमारा कैसा है ऑब्जेक्टिव केस के लिए हो रहा है। जैसे हमने कहा कि राम के लिए हु का, दिस के लिए हु का, और यहाँ द गर्ल के लिए हुम का, तो इनके लिए हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में हमने हुम का यूज कर लिया। अब देख रहे हैं कि दिस इज द बॉय हुज, अब पॉजेसिव केस हमको दिखाना है, और हम ध्यान रखेंगे कि जो है हमारा पर्सन के लिए हो रहा है, पॉजेसिव केस दिखाना है, तो हुज एक्सरसाइज। तो हमने कहा कि ये जो है पर्सन के लिए हम देख रहे हैं कि मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, और इनके लिए पॉजेसिव या जेनेटिव केस के लिए हम हुज का यूज करते हैं, तो हुज एक्सरसाइज, दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। अब देख रहे हैं कि आई सा अ कैट, अब देख रहे हैं कि एनिमल आ गया, इनको छोड़कर इनमें आएंगे। अब देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम एक समझ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, आई सा अ कैट, और इसी कैट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस हम बीच का यूज किया, जबकि यहां भी सब्जेक्टिव केस के लिए, यहां भी हमारा सब्जेक्टिव केस के लिए, और यहां हम देख रहे हैं कि ये जो है गर्ल के लिए यूज हुआ है, यहाँ राम के लिए, यहाँ दिस के लिए, और यहाँ देख रहे हैं कि पॉजेसिव के लिए हम जो है हुज का यूज किए हैं। तो इस तरह से जो है हमने समझ लिया, और भी हम सेंटेंस लेकर के समझ लेते हैं। सेंटेंस देख रहे हैं कि दिस इज द हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल, सी बट अ सारी विच वॉज वेरी कॉस्टली, द हाउस विच माई फादर बिल्ट वॉज ग्रैंड, The dog whose leg has broken should be hospitalized. The man whose money you stole is poor. I have a table whose off which leg has been broken. A triangle whose off which three sides are equal is called an equilateral triangle. अब हम ध्यान देंगे कि हमारे पास देख रहे हैं कि demonstrative pronoun this, और ये subject की तरह use हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये verb है, और ये देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हाउस जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, और इनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में है, और देख रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग है, तो अब इनके लिए हम विच का यूज ये वाला करेंगे, तो इस वजह से हमने ये यूज कर लिया। और सेम चीज यहाँ देख रहे हैं, और सारी यहाँ विच हमने यूज कर लिया। अब देख रहे हैं कि द हाउस विच, तो हाउस हमारा देख रहे हैं और सब्जेक्टिव केस में है, इसका हमने यूज कर लिया यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि द डॉग हुज लेग, पॉजेशन दिखाना है, नॉन लिविंग थिंग का, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ द डॉग हुज लेग हैज ब्रोकन शुड बी हॉस्पिटलाइज। अब ये देख रहे हैं कि एनिमल है, और एनिमल का पॉजेशन दिखाने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमने हुज का यूज किया, द डॉग हुज लेग हैज ब्रोकन शुड बी हॉस्पिटलाइज। तो अब हमने देख रहे हैं कि हुज के साथ हमने लेग यूज कर दिया डॉग के लिए। अब द मैन, तो अब देख रहे हैं कि मैन का यहाँ हुज मनी, तो अब यहाँ इनके लिए हमने ये यूज कर लिया, आई हैव अ टेबल। अब देख रहे हैं कि पोजिशन दिखाने के लिए हम देख रहे हैं कि हुज या आप विच का यूज कर लेते हैं, तो आई हैव अ टेबल हुज या आप विच लेग, हमने पोजिशन दिखा दिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि अ ट्रायंगल हुज, यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि हुज या आप विच के साथ हमने थ्री साइड्स हमने दिखा दिया। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं कि ये जो है हमने कहा कि फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन जो है इनके अकॉर्डिंग हमने यूज कर लिया। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। नोट सेकेंड में हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हम फॉर्म्स देखेंगे कि हमारे पास केस में हमने लिया है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। और हमने कहा कि आल, आल जो है चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो आल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, हमारा पर्सन आ जाएगा, मैस्कुलिन फेमिनिन ये सब सभी पर्सन आ जाएंगे, हमारे पास एनिमल्स एंड बर्ड्स आ जाएगा, न्यूट्रल जेंडर आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग, यानी कि आल हमने लिख दिया। वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्टिव केस के लिए दैट, ऑब्जेक्टिव केस के लिए दैट, और पॉजेसिव केस के लिए एक चीज हम समझ लेते हैं कि हमारा दैट का पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनता है। याद रखेंगे एक चीज हमने नोट में, यहां जो है नोट में हम ये चीज बता दे रहे हैं कि दैट का
पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनता है। दैट का पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन दैट के पॉजेसिव फॉर्म के रूप में होज और आप विच का यूज कर लेते हैं। इसका दैट का पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन इनका पॉजेसिव फॉर्म के रूप में होज और आप विच का हम यूज कर लेते हैं। जैसे दिस इज द बॉय, अब हमें जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, केवल हमें जो है सिंगुलर और प्लूरल से को भी ध्यान नहीं देना है, केवल हमें जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, और बस हमको पॉजेसिव केस पर ध्यान देना है। तो बाकी के लिए हम देख रहे हैं कि दिस इज द बॉय, दैट का यूज हमने कर लिया, आई सॉ द पीकॉक, दैट का यूज कर लिए, आई बॉट अ बुक, दैट का हमने यूज कर लिए। अब ही दैट इज कंटेंट, अब यहां ध्यान देंगे कि हमारा जो है कंटेंट, ही दैट कंटेंट इज रीड, यहां हमने जो है दैट का यूज किया। तो ही दैट इज कंटेंट इज रीच, ही दैट इज कंटेंट इज रीच। अब हम ध्यान देंगे कि इनमें जो है कंटेंट हमारा जो है एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, कंटेंट हमारा जो है एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। अब देख रहे हैं कि टेक एनीथिंग दैट, तो यहां हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ करके हमें कोई जरूरत नहीं लगाना, बस हमको अब यहां पॉजेसिव केस पर ध्यान देना है। तो द गर्ल हूज या आप विच ब्रदर, अब देख रहे हैं कि पॉजेसिव केस यहां हम देख रहे हैं कि हूज आप विच ब्रदर स्टडी। तो ये जो है हमने कहा कि पॉजेसिव केस को ध्यान रखेंगे कि पहला बात की दैट का पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनता है, दूसरी बात की पॉजेसिव दैट के पॉजेसिव फॉर्म के रूप में होज और आप विच का यूज कर लिए। तो हम देख रहे हैं कि होज और आप विच ब्रदर हमने यूज कर लिया, तो होज या आप विच ब्रदर स्टडीज इन माई क्लास इज माई क्लासमेट। तो ये जो है हमने समझ लिया। अब हम एक जो है नोट थर्ड या देख ले सकते हैं कि हु हुम हुज का यूज कहां कहां होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। नोट थर्ड में हम देखेंगे कि यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु हुम हुज तीनों का यूज। अब ध्यान देके हु का नॉमिनेटिव केस में कहां कहां यूज होता है, मैन के लिए, मानव के लिए होता है, गार्ड के लिए होता है, गार्ड्स के लिए होता है, फेयर इज अप्सरा जिन्हें हिंदी बोलते हैं इनके लिए होता है, एंजल्स राजदूत इनके लिए होता है, एक्सेट्रा। तो हमने कहा कि नॉमिनेटिव केस में हु का यूज मैन, गार्ड, गार्ड्स, फेयर इज, एंजल्स के लिए होता है। अब डोमेस्टिक एनिमल के साथ ही डोमेस्टिक एनिमल के लिए भी होता है, अगर इन्हें व्यक्ति के रूप में देखें, यानी कि कोई जानवर घर है उसको जो है अपने जो है घर के व्यक्ति होने का एहसास होता है, डोमेस्टिक एनिमल, उस दशा में हम जो है डोमेस्टिक एनिमल को लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में भी हु का यूज मानव के लिए होता है, और यहां भी वही चीज होता है, गार्ड, गार्ड्स, हेयर इज, एंजल्स, और यहां भी वही होता है डोमेस्टिक एनिमल। यानी कि हम ध्यान रखेंगे कि हु हुम का यूज ये जो है तीनों के लिए होता है, मैन, गार्ड, गार्ड, फेयर इज, एंजल्स, डोमेस्टिक एनिमल, इन सब के लिए भी होता है। तो हमने जो है याद रखेंगे कि हुम का भी यूज इसके लिए होता है, और यहां पर भी हुम का भी यूज इसी के लिए होता है। अब हम ध्यान देंगे कि पॉजेसिव केस में मानव के लिए हम हुज का यूज करते हैं, और एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए हम पॉजेसिव केस में हुज का यूज करते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इनके बाद कुछ नहीं बचते, इनके बाद यह कह सकते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल के लिए हम इनके साथ नहीं यूज करते हैं। तो हमने कहा कि मानव के लिए, मैन के लिए कर सकते हैं, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए हम पॉजेसिव केस में हुज का यूज करेंगे और किसी के लिए नहीं। जैसे द मैन, मैन के लिए अब हम देख रहे हैं कि मैन के लिए हम हु का यूज किए हैं, तो यहां देख रहे हैं कि मैन के लिए हमने हु का यूज किया। वी क्रिएटर्स, वी वर्शिप गॉड हु इज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। अब देख रहे हैं कि गॉड, गॉड के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हु का यूज किए। अब हम एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि हम हु के लिए, यानी कि हु के बदले न हम हु और हुम और विच का यूज नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे कि हु के बदले हुम और विच का यूज नहीं करते हैं, और हुम के बदले हम विच का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हु का यूज कर लेते हैं, ये प्रचलित है। यानी कि हुम के बदले हु का प्रयोग प्रचलित है, हो सकता है। अब हम ध्यान रखेंगे कि हुज के बदले हम न हु का यूज करेंगे, न हुम का, न विच का।
अब हम ध्यान रखें कि विच के बदले ना हु का यूज करेंगे ना हुम का, तो हमने यही देखा कि हु के बदले हु हुम का यूज नहीं करेंगे, हुम के बदले हु का यूज कर सकते हैं लेकिन विच का नहीं, हुज के बदले हु हुम विच का नहीं करेंगे, विच के बदले हु हुम का यूज नहीं करेंगे। और एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो है हुम का यूज होगा कि हु का, तो हम ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा हुम का यूज होगा न कि हु का। तो ही इज द मैन विद, ए प्रेपोजिशन हुआ हमारा। अब हम ध्यान रखेंगे इनके बाद हमने हुम का यूज, ये सही है और हु को काट देंगे। तो ही इज द मैन विद हुम दीपक बाबू लाइव्स। तो इस तरह से हमने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद हुम का यूज करते हैं। और भी हम जो है आगे रूल देखते हैं, नोट 4 देखेंगे कि एक सेंटेंस पहले देखते हैं कि सी हैज ऑब्टेंड 80% ऑफ मार्क्स विच प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट। अब देख रहे हैं कि सी हैज ऑब्टेंड 80% ऑफ मार्क्स, तो अब हम ध्यान देते हैं कि सी हैज ऑब्टेंड 80% ऑफ मार्क्स विच, विच हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्लाज हुआ, और ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हुआ, ये एंटीसीडेंट हुआ। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि किसी क्लाज के लिए, इनके लिए हम समझेंगे कि किसी क्लाज के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करते हैं, किसी क्लाज के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करते हैं न कि हु हुम और दैट, यानी कि किसी क्लाज के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करते हैं, नहीं हम हु का न हुम का न दैट का। अब हम देखते हैं कि नोट 5 में देखते हैं कि अ रूम हुज आप विच डोर्स आर पेंटेड लुक अट्रैक्टिव। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं कि अ रूम हुज आप विच और डोर्स आर पेंटेड लुक अट्रैक्टिव, तो इनके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये जो है सारी बातें हमारी जो है क्लाज हो गया। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास नोट 5 में हो जाएगा हमारे पास हुज या आप विच, हुज या आप विच के बाद हमारा जो है क्लाज का यूज होता है, तो हमने कर दिया। अब नोट 5 में देखते हैं कि अ रूम विद पेंटेड डोर्स लुक्स अट्रैक्टिव, तो अब हम देख रहे हैं कि विद और बाकी ये चीज हमें जो है फ्रेज दिख रहा है, एक फ्रेज दिख रहा है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास विद के साथ अ फ्रेज का यूज हुआ है। तो अब इस दोनों सेंटेंस को हमने ध्यान से देख रहे हैं कि अ रूम हुज आप विच डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव और रूम विद पेंटेड डोर्स लुक्स अट्रैक्टिव, तो दोनों में हमको निष्कर्ष निकल रहा है कंक्लूजन कि हम चाहें तो होज या आप विच प्लस क्लाज के बदले हम विद अ फ्रेज का यूज कर सकते हैं, दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बात वही हुआ विद अ फ्रेज। तो हमने कहा कि हम चाहे तो होज आप विच क्लाज के जगह पर विद अ फ्रेज कर सकते हैं, तो चाहे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो हम देख रहे हैं कि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे अ रूम उसके बाद विद और रूम विद पेंटेड डोर्स लुक्स अट्रैक्टिव, ऐसे बोल सकते हैं, और इनको चाहे तो विद अ फ्रेज के जगह पर हुज आप विच क्लाज लिख सकते हैं। जैसे अ रूम हुज या आप विच डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, हुज या आप विच क्लाज या के जगह पर हम विद अ फ्रेज का हम यूज कर सकते हैं। तो नोट हमने 6 समझा, और एक हम नोट और हम समझते हैं।
नोट 7 में देखेंगे कि प्रेपोजिशन के लिए जो हम रिलेटिव एडवर्ब यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। प्रेपोजिशन के लिए जो हम रिलेटिव एडवर्ब हमने देख रहे हैं कि ये प्रेपोजिशन इन ऑन ड्यूरिंग प्रेपोजिशन के साथ अगर हम विच अगर प्रेपोजिशन और विच इन ऑन ड्यूरिंग विच अगर ये इन विच ऑन विच ड्यूरिंग विच अगर ये तीनों प्रेपोजिशन के साथ अगर मिल जाए जैसे हो सकता है इन विच हो सकता है ऑन विच हो सकता है ड्यूरिंग विच अगर ये तीनों ध्यान में रखेंगे अगर टाइम को डिनोट कर रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब व्हेन का यूज करेंगे अगर ये दोनों इन विच एट विच प्लेस को डिनोट कर रहे हैं तो इनके लिए रिलेटिव एडवर्ब व्हेयर का यूज करेंगे अगर प्रेपोजिशन और विच ये दोनों अगर रीजन को डिनोट कर रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब वाई का यूज करते हैं जैसे मोनिका फॉरगॉट द ईयर इन विच सी वाज बॉर्न अब देख रहे हैं कि इन विच ये किसको डिनोट कर रहा है टाइम को डिनोट कर रहा है तो अगर ये टाइम को डिनोट कर रहा है तो इनके लिए टाइम को डिनोट कर रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब इनके लिए हम व्हेन का यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मोनिका फॉरगॉट द ईयर व्हेन सी वाज बॉर्न अब देख रहे हैं कि दिस इज द होटल एट इन विच माय फादर वाज स्टेइंग तो अब हम देख रहे हैं कि एट विच एंड विच अगर प्लेस को डिनोट कर रहा है ये देख रहे हैं ये प्लेस को हमारा डिनोट कर रहा है तो इनको हम इनके जगह पर वेयर का यूज कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा दिस इज द होटल वेयर माई फादर वाज स्टेइंग अब देख रहे हैं कि ही डज नॉट नो द रीजन फॉर विच अब ये देख रहे हैं कि फॉर विच हमारा जो है रीजन को डिनोट कर रहा है माई फ्रेंड वाज अरेस्टेड ही डज नॉट नो द रीजन फॉर विच माई फ्रेंड वाज अरेस्टेड अब ये रीजन को डिनोट कर रहा है तो इस वजह से फॉर विच के जगह पर हम रिलेटिव एडवर्ब वाई का यूज किए तो यही जो है हमने कहा कि अगर इन विच ऑन विच ड्यूरिंग विच टाइम को डिनोट कर रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब व्हेन का इन विच एट विच प्लेस को डिनोट कर रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब व्हेयर का फॉर विच अगर रीजन को डिनोट कर रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब वाई का तो ये जो है सेंटेंस तीन हमने सेंटेंस जो है हमने लिख करके समझा अब हम एक आगे जो है रूल देखते हैं रूल देखेंगे कि हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम ध्यान देंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच का यूज दो तरीके से होता है एक रिस्ट्रिक्टिव यूज होता है और दूसरा कंटिन्यूटिव यूज होता है तो इसी चीज को हम देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच का यूज एक रिस्ट्रिक्टिव यूज होता है जिसे डिफाइनिंग यूज बोलते हैं और एक कंटिन्यूटिव यूज होता है जिसे हम नॉन डिफाइनिंग यूज होते हैं तो इस चीज को हम अगर हम समझे तो अब हम ध्यान देते हैं कि अब देख रहे हैं कि द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे अब देख रहे हैं कि हु लिव्ड देयर ये हमारा रिलेटिव क्लॉज हुआ और इनके पहले आने वाला एंटीसीडेंट हुआ और देख रहे हैं कि हु हैज स्टोलन माई वॉच और इनके पहले आने वाला एंटीसीडेंट दोनों जगह मैन हुआ तो इनके लिए अब हम समझेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव यूज होता क्या है कि रिलेटिव क्लॉज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट ध्यान देंगे कि रिस्ट्रिक्टिव यूज कि रिलेटिव क्लॉज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट रिलेटिव क्लॉज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को रिस्ट्रिक्ट करे रिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब जो है सीमित करे डिफाइन करे जिसको हम हिंदी बोलते हैं परिभाषित करे यानी कि रिलेटिव क्लॉज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को रिस्ट्रिक्ट करे डिफाइन करे परिभाषित करे या हम कह सकते हैं विशेषता बतावे एडजेक्टिव क्लॉज का काम करें एडजेक्टिव क्लॉज का काम करें या कह सकते हैं विशेषता बताए यानी कि रिलेटिव क्लॉज यानी रिलेटिव प्रोनाउन से बना क्लॉज हमारा रिलेटिव क्लॉज होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन से क्लॉज हुआ
और whom से बना है, तो ये रिलेटिव क्लाज हुआ। तो रिलेटिव क्लाज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को रिस्ट्रिक्ट करे, सीमित करे, डिफाइन करे, परिभाषित करे, विशेषता बताए, यानी कि एडजेक्टिव क्लाज का काम करे, विशेषता बताए यानी एडजेक्टिव क्लाज का काम करे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग यूज कहलाता है। यानी कि रिलेटिव क्लाज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को रिस्ट्रिक्ट करे, डिफाइन करे या विशेषता बतावे या एडजेक्टिव क्लाज का काम करे, तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो ऐसे कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव यूज या डिफाइनिंग यूज कहलाता है। ठीक, अब दूसरी बात हम कंटिन्यूटी यूज या नॉन डिफाइनिंग यूज क्या कहलाता है, तो अब इनके लिए भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा रिलेटिव क्लाज रिलेटिव क्लाज के पहले आने वाले एंटीसीडेंट, अगर रिलेटिव क्लाज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को नहीं रिस्ट्रिक्ट करे, नहीं डिफाइन करे, यानी कि न रिस्ट्रिक्ट करे न डिफाइन करे, करे क्या कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि रिलेटिव क्लाज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को न रिस्ट्रिक्ट करे न डिफाइन करे, केवल न रिस्ट्रिक्ट करे न डिफाइन करे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, और साथ ही इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करे, यानी कि साथ ही कह सकते हैं कि जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, यानी कहने का मतलब है जो है आगे इंफॉर्मेशन को क्या करे, कंटिन्यू करे, यानी कि इनके बाद आने वाले इंफॉर्मेशन को क्या करे, वो कंप्लीट करे। तो इस प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा प्रयोग हमारा कंटिन्यूटिव यूज कहलाता है। अब हम इस चीज को तो हमने समझ लिया, जैसे अब हम देख रहे हैं कि द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे, ये देख रहे हैं कि हमारा क्लाज हुआ, और ये भी हमारा देख रहे हैं कि क्लाज हुआ, ये भी कैसा क्लाज है, रिलेटिव क्लाज हुआ, ये भी रिलेटिव क्लाज और ये भी रिलेटिव क्लाज। तो अब देख रहे हैं कि द मैन हु लिव्ड देयर, यानी कि इनको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, डाइड यस्टरडे। अब देख रहे हैं ये भी हु हैज स्टोलन माय वॉच, ये भी डिफाइन कर रहा है मैन के बारे में, रिलेटिव क्लाज। अब यही चीज देख रहे हैं कि आई हैव सीन माय फ्रेंड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस, तो हम चाहे तो हु के जगह पर एंड ही लिख सकते हैं, तो आई हैव सीन माय फ्रेंड एंड ही रिकॉग्नाइज मी एट वंस, ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है रिलेटिव क्लाज, तो अब यहां देख रहे हैं कि रिलेटिव क्लाज, अब देख रहे हैं कि हु रिकॉग्नाइज मी एट वंस, तो ये अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट माय फ्रेंड को क्या कर रहा है, आगे इंफॉर्मेशन, यानी कि इनके इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, अतिरिक्त जानकारी देता है, यह जो है जानकारी को आगे बढ़ाता है। तो देख रहे हैं कि आई हैव सीन माई फ्रेंड हु रिकॉग्नाइज मी एट वंस, यानी कि जो है जानकारी को आगे बढ़ाता है, कंटिन्यू करता है, तो इस वजह से हम इसको जो है कंटिन्यूटिव यूज कहेंगे। अब देख रहे हैं कि ही हैज बॉट अ कार, अब देख रहे हैं कि विच इज व्हाइट, तो अब देख रहे हैं इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस कार के बारे में ये क्लाज एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, और नहीं इनको क्या कर, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, नहीं डिफाइन कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, और यहां भी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया। तो इस तरह से जो है हमने रिस्ट्रिक्टिव यूज और कंटिन्यूटिव यूज समझा। अब इस दोनों में हम फर्क समझ लेते हैं। अब हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव यूज और कंटिन्यूटिव यूज दोनों में क्या फर्क है, जो हमने अभी पढ़ा है उस पर थोड़ा मेंशन करते हैं। तो हमने देखा था कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में हमने कामा का यूज नहीं किया था। हमने पहली बात देखा था रिस्ट्रिक्टिव यूज में कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के बीच में हमने कामा का यूज नहीं किया था, जबकि कंटिन्यूटी यूज में हमने रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के बीच में हमने कामा का यूज किया था। और हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्टिव यूज में कि रिलेटिव क्लाज हमारा एडजेक्टिव क्लाज की तरह कार्य कर रहा था,
जो विशेषता बता रहा था अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट की विशेषता बता रहा था वो रिलेटिव क्लॉज की तरह यूज हो रहा था, तो ठीक है। और हमने जो है रिलेटिव क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज की तरह होता कार्य करता है, यानी कह सकते हैं याद रखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है कंटिन्यूटिव यूज में। कंटिन्यूटिव यूज में हमारा रिलेटिव क्लॉज जो होता है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है कंटिन्यूटिव यूज में, इसको ध्यान रखेंगे। और इनमें जो है रिस्ट्रिक्टिव यूज में हमारा सेंटेंस जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और जबकि कंटिन्यूटिव यूज में हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस देखते हैं कि द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर रोड, दोनों में अगर कामा से ही अंतर हो जाएगा, कामा से ही अर्थ बदल जाएगा। अब देख रहे हैं कि द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर, तो अब हम देख रहे हैं कि द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर रोड, यानी कि द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड, यानी कि जो यात्री बाढ़ के बारे में जानते थे उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो यहां तो अर्थ निकल है द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर रोड, तो ये हो रहा है एक अर्थ निकलेगा कि जो यात्री जो है बाढ़ के बारे में जानते थे उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। और ये भी तो इसका विपरीत निकल सकता है, तो जिन्होंने नहीं जाना वही बाढ़ वाला रास्ता पकड़ लिया, तो दो अर्थ निकल रहा है। तो अगर जो जान रहे थे वो जो है रास्ता तो बदल लिए, और जो नहीं जान रहे थे वो तो बाढ़ वाला रास्ता में ही गए, तो द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर रोड, तो ये हो गया। अब देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो है जो कंपाउंड सेंटेंस यूज हो रहा है प्रिंसिपल क्लॉज, देख रहे हैं कि द ट्रेवलर्स, अब कामा लगने से अर्थ बदल जाएगा, द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर, तो अब द ट्रेवलर्स यानी कि सभी यानी कि सब यात्री हु न्यू अबाउट द फ्लड बाढ़ के बारे में जानते थे टुक अनदर, उन्होंने सभी के सभी ने रास्ता बदल दिया, दूसरी रास्ता पकड़ ली। तो यहां दो अर्थ निकल रहा है, किसी भी चीज का एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो अर्थ निकलता है कि जो यात्री बाढ़ को जान रहे थे उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, तो इसका यह भी तो अर्थ निकलता है जो नहीं जान रहे थे उन्होंने बाढ़ वाला ही रास्ता पकड़ लिया। अब यहां देख रहे हैं कि द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर, तो यहां जो है सभी के सभी, यहां कामा लगने से यह अर्थ निकल रहा है कि सभी के सभी यात्री बाढ़ के बारे में जानते थे और उन्होंने जो क्या किया अपना रास्ता बदल दिया। तो ये इस तरह से जो है छोटी छोटी चीजें जो है हमने रिस्ट्रिक्टिव यूज और कंटिन्यूटी यूज इंग्लिश लैंग्वेज में हु और विच का हमने समझा। तो अब जो है पार्ट ये जो है वन हो गया, और पार्ट सेकेंड में हम जो है केवल रूल लेकर के आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।